ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं और आज हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी हर रूप में आपके साथ रहें, बाबा जी हर वक्त आपके साथ रहें, बाबा जी हमेशा आपके हर विश पूरी करें और सदा उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। नाम अलग अलग है, भगवान एक है, उनकी शक्ति एक है, उनका साथ हमारे साथ एक है। वो कभी भी अपने भक्तों के लिए कुछ गलत नहीं करते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने तो सारे दुख हमारे जीवन में डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो हमें देते हैं ना, वो दुख नहीं होता, वो एक सीख होती है। जो जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनसे बड़ा खिलाड़ी दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि वो हर चीज़ सही वक्त पर सही इंसान को सही तरीके से देते हैं। एक वही तो है जो हर चीज़ सही करते हैं, जिनके किसी भी कार्य में किसी भी तरीके का कोई छल कपट नहीं होता, कोई गलत भावना नहीं होती और किसी के लिए कुछ बुरा नहीं होता। क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये तो हमारे साथ ही बन जाते हैं जब हमें इन्हें फेस करना आ जाता है तो। और थोड़ी देर के लिए ये जब दूर होती है ना, तो हम लगता है अरे अब हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, लेकिन वो फिर लौट के आते हैं। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो कि ये तो आनी आनी है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब आंधी तूफान आते हैं ना, हम अपना घर मजबूत बनाते हैं ताकि हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा घर मजबूत, अच्छा सारा जो भी मटेरियल होता है अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आंधी तूफान हमारे घर पर कोई असर ना करे। हम आंधी तूफान को थोड़ी ना रोक सकते हैं, घर तो मजबूत बना सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ यही है, मौसम बदलेगा, बारिश आएगी, तूफान आएंगे, आंधियाँ आएंगी, बहुत सारा बाहर बहुत कुछ होगा, लेकिन अपने भीतर का जो शांति है ना, वो बना कर रखनी है। बाहर कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो, आपके मन में शांति होनी चाहिए। मन शांत है ना तो कुछ नहीं होगा, बाहर का आकर रुक जाएगा, थम जाएगा। अंदर तूफान नहीं चलना चाहिए, समझ रहा ना मेरी बात को? क्योंकि मन जीता है तो सब कुछ जीता है, मन हार गया तो इंसान अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है। इसलिए कभी भी मन से नहीं हारना। हारना ही क्यों है? है हमें पता है ना कि सब कुछ जो बाबा करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो बस चिंता क्यों करते हो? थोड़ी देर के लिए करो फिर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के बच्चे हैं हम, हमने बाबा से क्या सीखा है कि श्रद्धा और सबूरी से काम लो। आप अगर श्रद्धा और सबूरी रखोगे तो आपकी खुशी आप तक खुद चल कर आएगी। इतनी शक्ति है उनके नाम में और उनके दिलाए हुए विश्वास में। आप बस श्रद्धा सबूरी रखो, आप जो चाहते हो जैसे चाहते हो वैसे होगा। जब हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो वो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग कर देंगे। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठकर और उनके ऊपर सब कुछ छोड़कर देखते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा साईं कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ मुझसे छीना है तो बहुत कुछ देने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, हमें पूरा भरोसा है कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो चलिए आज की प्रार्थना के नाम इनके चरणों पर रखते हैं, बाकी सब संभाल लेंगे, है ना, सब बाबा संभाल लेंगे। आज की प्रार्थना के नाम है मालापुरी जी, किरण जी का बेबी बॉय है छोटा विरांच, रीमू कुमारी जी, लीला सुनर जी बच्चा दक्ष, रमा सिलवल जी, इंद्रानी बैनर्जी जी, तपन दे जी, गौरव आचार्य जी, राजेश रानी जी एंड ऑल फैमिलीज। तो ये कुछ नाम थे जिनके लिए हमने प्रेयर करनी है। आप सभी लोग प्रेयर करना ताकि बाबा जी इनको जल्दी से स्वस्थ कर दें। हम सभी की प्रार्थना होगी ना तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। आप सब लोग प्रेयर करना कि बाबा सभी को हेल्थ इश्यूज़ है,
सभी हेल्थ से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, तो सभी का जो स्वास्थ्य है वो जल्दी से ठीक हो जाए, सभी हेल्दी हो जाए, सभी खुश रहे, हमारी तो बाबा से यही प्रार्थना है। जैसे कि बच्चे की जो किरण जी का बेबी बॉय है ना, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप प्रे करना कि बाबा बच्चे की हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए। छोटा वीरांश है, उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो भी जल्दी से हेल्दी हो जाए, बाबा रहम नज़र करना। लीला जी की हेल्थ अच्छी नहीं, बाबा लीला जी पर कृपा करना। बच्चे दक्ष की भी हेल्थ अच्छी नहीं है, साईं उन पर भी कृपा करें। और इंद्राणी जी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है, राजेश रानी जी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो जो लोग मेरी प्रेयर को सुन रहे हैं अभी, हम लोग जो कर रहे हैं, आपके पास यदि बाबा की उदी है ना, तो आप ज़रूर लगाओ, उसको माथे पर लगाओ, विश्वास रखो हो जाएगा। अपनी दवा और आप ना ऐसे कर लगाओ उदी का, 11 वचनों के बाद लगाना, आप धीरे धीरे अपने आप को अच्छा होता हुआ फील करोगे। ठीक है, ये भक्त का विश्वास है, और भक्त कभी गलत नहीं कहता, उसे अपने मालिक पर पूरा भरोसा होता है। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके नाम है स्वरूप देव जी। स्वरूप जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन का हर पल बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में बाबा हर दिन नई खुशियां लाएं। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें। देवजीत गुप्ता जी का बर्थडे है, देवजीत गुप्ता बच्चा है, तो बच्चे देवजीत को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ बच्चे को हमेशा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बच्चे का जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, माता पिता पूरे परिवार का नाम रोशन करें, हम श्री साई चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और गौरवी भाकुनी जी का बर्थडे है, गौरवी जी हैप्पी बर्थडे, साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ का हर पल बहुत खूबसूरत हो, और आप जो चाहते हो लाइफ में आपको वो मिले, साईं आपकी हर इच्छा पूरी करें। उसके बाद विनी तिवानी रूपानी जी का बर्थडे है, ये एक ही नाम है शायद, विनी तिवानी रूपानी जी का बर्थडे है। भाई विनी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे, आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आपका जीवन आपका परिवार सदा खुशियों में रहे। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, पूनम सिंह जी एंड अभिमन्यु जी की मैरिज एनिवर्सरी है, पूनम जी एंड अभिमन्यु जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम, साईं का आशीर्वाद भरा रहे, और आप लोगों की हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो, हम तो देवा से यही प्रार्थना करते हैं। सोनिका एंड सुरेंद्र जी की मैरिज एनिवर्सरी है, सोनिका जी एंड सुरेंद्र जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, पूरे साईंदार परिवार की तरफ से आपको, आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो मिले, आपका हर सपना पूरा हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। सविता जी एंड कैलाश जी की मैरिज एनिवर्सरी है, सविता जी आपको भी आपके इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, साईं आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, और हर पल लाइफ में आपके बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, साईं आप सबको सदा खुश रखें। तो जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बाबा आप सभी को सदा खुश रखें। तो चलिए अब खुशी के लिए, अपने मन की सुकून के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो हम साईं से चाहते हैं, आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। बाबा सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आइए मेरे संग संग 11 वचन पढ़िए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज
परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी की लाइफ बहुत सारी खुशियों से भरी रहे, आप सबका हर सपना पूरा हो, हर विश मनोकामना पूरी हो, बाबा से यही प्रार्थना करते हुए आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा आप पर बरसती रहे, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच बाबा एंड थैंक यू सो मच साईं दयाल फैमिली इतना प्यारा सा वक्त देने के लिए। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। और हाँ, आज ट्यूसडे है, आज साईं कृपा से 12:30 बजे लाइव होकर नाम जाप करेंगे, श्री चरणों में बैठेंगे, आगे साईं संभाल लेंगे। ओम साई राम जी, जय जय साई राम जी।